ये बहुत संवेदनशील और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक विषय पैदा हो गया। पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं, लिहाजा किसी उच्च स्तरीय रेस्पेक्टेड जो मान्यता प्राप्त एजेंसी है उसके द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। लेकिन सर, आपका कहना है कि पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर अपने आप को कानूनी पचड़े से बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर मुंबई महाराष्ट्र अगाड़ी जो सरकार है उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे, जिन्हें सभी मंत्री और मुख्यमंत्रियों का विश्वास प्राप्त था, लिहाजा उनका वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। एलओपी लीडर का इस्तीफा कराइए, या तो वो खुद करे या आप कराइए। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि जो महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता हैं श्री शरद पवार, उन्होंने भी दखल दिया है, उन्होंने गृहमंत्री से भी चर्चा की है, उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता की है और जल्दी फिर कोई और विस्फोट होगा इसकी आशंका है। दूसरा सर, जारी किया असम के लिए, उसमें 5 लाख नौकरी, चाय बगान के लिए निश्चित मजदूरों के लिए राशि, उसके बाद सीए नहीं लागू करने की शपथ और 2000 रुपए हर गृहिणी को देने का वादा। ये चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए वायदे हैं और इतिहास गवाह है कि कोई भी दल सत्ता में आने के बाद उन वायदों को जस का तस नहीं निभा पाता। गुड़गांव परिवार को लोगों की धार्मिक भावना को देखते हुए मांस के दुकान ना खोले जाएं, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है फिर तो शुक्रवार को लोग शराब बेचने पर भी प्रतिबंध की मांग करेंगे। बेफिजूल के अनावश्यक सवालों को अतिरंजित करके विवाद में लाने की परंपरा बनी हुई है, ये उसी का नतीजा। एक सवाल सर और है जो उत्तर में, उस पर संघ ने कहा कि ये एक व्यक्ति की राय हो सकती है, वो सही या गलत हो सकती है, इसको सीधे संघ से नहीं जोड़ा जा सकता। इसको संघ से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात के लिए माफ नहीं किया जा सकता कि राज्य का मुखिया होने के नाते उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया।